नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम सेकंड ग्रेड अध्यापक के फर्स्ट पेपर के बारे में। ग्रुप ए का जो आज फर्स्ट पेपर हुआ है, 28 अक्टूबर को जो फर्स्ट पेपर हुआ है प्रथम पारी में, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि पेपर कैसा आया हुआ है, पेपर का लेवल कैसा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आप पूरे पेपर को देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया। सेकंड क्वेश्चन, संप सभा की स्थापना किसने की। थर्ड है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। चार नंबर क्वेश्चन को, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों के क्रम से आरंभ से अंत तक जमाएं, इसको आपको क्रम से बताना है। फ्रेंड्स, आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं इसके क्या ऑप्शन है। मैं आप क्वेश्चन बोलता जा रहा हूं लगातार। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल जिला कौन सा है वो आपको बताना है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। चार चार ऑप्शन उसके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। फ्रेंड्स, अगर आपका ग्रुप बी का जो एग्जाम पेपर आगे होगा उसके विद्यार्थी और जो आप एग्जाम देंगे वो सभी देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगला नेक्स्ट जो जीके का पेपर होगा वो कैसा होगा। तो आप इसके पेपर को देख सकते हैं और आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो तो वो आप उसके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख कर बताना, और इसकी PDF इसके आंसर की मैं थोड़ी देर में उपलब्ध करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राम से नहीं सांप्रदायिक साकर, दूसरे परवर्तक का उनको सम्मिलित करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह है इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें सुमेलित वाले बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आप इसका लेवल देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देसी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। नेक्स्ट, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। देखो, फिर एक और आ गया, सुमेलित करना। फ्रेंड्स, आप इस पेपर में पूरे में देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सुमेलित के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम एक सहायक नदी है, कौन सी नदी की सहायक नदी है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदी, इसमें से सुमेलित कौन से नहीं है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और सेकंड को सुमेलित करना है, इसका उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, किसके कारण होता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट को अपना उत्तर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके अगर उत्तर आपको आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी इस पेपर के हिसाब से आपकी कितनी तैयारी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है। सारा ऑप्शन दिए हुए, इसमें से आपको सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW की प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी का हर्षनील काल में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0.6 से कितनी है वो आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है कितनी है वो आपको बतानी है। होकाकाइडो तथा हांसु विभाजित होता है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर आपको बता दो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है, कितनी राशि है
UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन दिए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। ई सचिवालय है कहाँ, क्या है इस सचिवालय आपको बताना है। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि में किन स्थान नहीं दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल है बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, 123 समझौता एवं हाइड एक्ट किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, नेहरू अपने इस भाषण में नेहरू के किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती किसके द्वारा की जा सकती है? नेक्स्ट, 48 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है? सितंबर 2018 तक आपको बताना है कितना कार्यकाल रहा है, इसको सुमिलित करना, सूची एक दो को सुमिलित करके बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान राज्य सरकार 2013-18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है, सचिवों का आपको समूह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप में इस बात का कोई महत्व नहीं देता, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं क्या है इसका, आपको इसका सही कथन क्या है, क्या कथन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं कौन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बना सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं है, डॉक्टर बी राम अम्बेडकर नहीं है, मतलब कौन सी पुस्तक नहीं लिखी उन्होंने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो आपको सही कौन सा कथन है आप देख सकते हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना और उसका सही विकल्प है इसमें चूज करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। एक तरफ नेता और उसके विचार किस प्रकार के विचार थे वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है कौन, करते हैं राज्यपाल या मुख्यमंत्री कौन करते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है किससे है? 62 परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा का द्वारा स्वीकार किया गया। 63 भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं? नेक्स्ट, 65 ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया है, इसका उत्तर आपको सही सही उत्तर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूभाग वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन दो जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे आप लाइक जरूर करें, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूं, तो आप इसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी बोलते जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध है किससे है? प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को किस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 कहाँ किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में कर क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? निम्न में से किस कारण से एक सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-05 से 2011-12 के बीच भारत के किन राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन के संबंध में सत्य नहीं है? इसके 3-4 ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन जो आपको उत्तर सही से आ रहे हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञान सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कॉलम एक यानी मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम दो मनोविज्ञान के नाम को सम्मिलित करना है, एक और दो को सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एस सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया, व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि की त्रितंत्रीय ट्रायआर्किड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप में अंतर्गत आती है, बुद्धि के सिद्धांत का विकास किया है, सिद्धांत का विकास किसने किया आपको बताना है। फ्रेंड्स, इसकी आंसर की मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा दूंगा, ये इसका PDF फाइल है पेपर की, तो आप देख सकते हैं पेपर कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहन बाहुबली के नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ, यह सर्वोत्तम उदाहरण है, किसका उदाहरण है वह आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में कौन सा कार्य संबंधित है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यांत्रिकी कहलाती, क्या कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक हितार्थ है, क्या है? नेक्स्ट, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का गुणात्मक सरलीकरण सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करता है, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित है? नहीं है। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के समयों के बारे में सही नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं, यह प्रेरक निम्नलिखित से किस श्रेणी से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की यह वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा उनकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचार और भावना का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसके क्वेश्चन क्या क्वेश्चन आए हैं तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूह को एक परियोजना पर मिलकर कार्य करती है, एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण है, बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। फ्रेंड्स, मैंने 100 क्वेश्चन बताते हैं कि आज जो पेपर हुआ है 28 तारीख को, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो मैंने बता दिया, और इसके आंसर की मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं, सामने के बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो आगे PDF की आंसर की आएगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।